लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसी भी क्या बात है, अब तुम हमारे लिए सिर्फ गाइड ही नहीं रहे हो, दो ही दिन में अच्छे खासे दोस्त भी बन गए। थैंक यू। अच्छा, अगर बर्फ की सीजन में आपका शिमला का प्रोग्राम बन जाए तो हिमाचल टूरिस्ट ऑफिस और मनोहर धनी का जरूर याद रखें। श्योर श्योर। अच्छा तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपसे गाइड मनोहर धनी विदा लेता है और आशा करता है कि आपकी शिमला यात्रा बड़ी बड़ी रही होगी। ओके सुरेंद्र जी, ऑल द बेस्ट। बाय बाय मिस, होप यू हैव अ नाइस एंड कंफर्टेबल जर्नी। हां बाय बाय। ये रास्ता आपको सीधा कालका ले जाएगा। थैंक यू, बाय 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 बाय। ओ ठहरो ए गजिए ओए। एक शिमला बॉडी, जल्दी कीजिए सदाजी, ट्रेन जाने वाली है। एक सेकंड ठहर, मैं बाबू रहने पैसे गिन के दे दिया हैं। नोट बाद में गिन लेना, पहले मुझे टिकट दीजिए। क्या बाबा तू, आ रहा फट टिकट, जा रहा बाकी पैसे। मुझे हाथ निकालने दीजिए। जी हाँ निकालिए निकालिए। मगर मैं कैसे निकालूं? ये तो मुझे भी नहीं पता आप कैसे निकालेंगी। ओ मेरा हाथ। ये क्या बदतमीजी, ट्रेन जा रही है। जी हाँ बड़ी बदतमीज है, देखिए ना, मैं छोड़ के चली जा रही है। देवी जी गुस्सा छोड़िए, मेरे करीब आ जाइए, जब तक हाथ सीधे नहीं होंगे बाहर नहीं निकलेंगे। आइए। मैम साहब इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तेरा नहीं बाबू, कसूर गवर्नमेंट दा। उन्हें खिड़की एक हाथ मारन लिए बनाई है, दो नहीं आ जाते, पता नहीं कितों आज की पट्ठे। सावित्री
कहाँ गई थी? ट्यूशन पे। यानी सारे गामा पादा निसा सानी दा पमा दे निसा। तू कहाँ से आ रही है? मैं कॉलेज से आ रही हूँ। मेरी लास्ट के दो पीरियड ऑफ थे, सोचा तुझसे मिलती चलूँ। मुझसे या भैया से? हट, लगता है अब तेरा दिल नहीं लगता। आज ही भैया से कहती है तुझे जल्दी से डोली में बिठाकर घर ले आए। जब तक तू घर में जमी बैठी है मैं अंदर कैसे आ सकती हूँ? एक काम करती हूँ, दिल्ली के चिड़ियाघर से एक लंगूर ले आती हूँ तेरे लिए। क्यों ठीक है? ले लाना चाहिए। सामने बैठा है, ये भी नहीं होता कि दरवाजा खोल दे। नमस्ते आंटी। आओ चंपा आओ। और सावित्री तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? क्या करती माँ, ढाई बजे की ट्रेन ही मिस हो गई। कब से राह देख रही हूँ तेरी कि तू आए और सब्जी ला कर दे। दाल छौंकने के लिए प्याज तक नहीं है घर पर। ये सब भैया से क्यों नहीं मंगवा लिया? वो सुने तब ना, दो घंटे से ऐसे हिसाब किताब कर रहा है जैसे सारे शिमले का कारोबार यही संभालता है। देख। अरे हाँ, तेरे पास पैसे हो तो चाय की पत्ती भी ले आना। ठीक है। और तो 11, 11 सात 18, 18 तो 20, 20 और 6, 28? और तो 11, 11 सात 18, 18 तो 20, 20 और 6, 26, 26 का छीका। अच्छा, छीका नहीं भैया, छीकी वो तुम्हारी चंपा। ओहो, तुम दोनों फिर हो गई इकट्ठी। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, या पहले ही 9 रुपए 70 पैसे की गड़बड़ हो रही है, इसलिए प्लीज तुम लोग जाओ मुझे हिसाब करने दो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ बाबा। इधर नहीं भैया, उधर। हमेशा के लिए पैर पकड़ लो नहीं तो भाग जाएगी। सावित्री तू अभी तक यही है? जाती हूँ माँ। 26 का चंपा बैठ जाओ ना, खड़ी क्यों? मैं जरा ये बिल चेक कर लू। लोग कहते हैं इस साल बर्फ कम पड़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल में बर्फ भी अच्छी पड़ेगी और टूरिस्ट सीजन भी अच्छा रहेगा, क्यों कर्नल? ये तो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए फायदे की बात, ज्यादा टूरिस्ट ज्यादा से। क्यों कर्नल, इसमें तुम्हारे डिपार्टमेंट का फायदा नहीं? अरे भाई ये तो सारे शिमले के फायदे की बात है। मनोहर थानी रिपोर्टिंग सर, फ्रेश ग्लास ऑफ द वैली फॉर यू सर। नमस्कार बालिश। सॉरी सर। टूरिस्ट पार्टी ने तुम्हें 2 बजे छोड़ा था ना? यस सर। और अब 5:30 बजे। सर वो बात ये कि सर समर हिल स्टेशन पर एक मिस नहीं सर, मेरा मतलब है कि एक ट्रेन मिस हो गई थी सर। इधर आओ। सर ऑनेस्टली सर मैं। वो कौन सी मिस थी जिसकी वजह से तुम्हारी ट्रेन मिस हो गई? जी नाम मैंने नहीं पूछा सर। यानी तुमने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। आई थिंक इट्स अ गुड पॉलिसी। क्यों बेफन? Well, इस मामले में मैं परदेशी हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं कॉलेज लाइब्रेरी जा रहा हूँ, रात में थोड़ी देर हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, चंदन तुम्हारा खाना हट कर इसमें रख देगा। थैंक यू सर। बाबा सर, बाबा। लड़का है तो बहुत स्मार्ट। स्मार्ट भी है और मेहनती भी, गाइड का काम तो करता ही, साथ में एमएससी भी कर रहा, वो भी स्कॉलरशिप लेके, फलों के सीजन में केमिकल एनालाइजर बन जाता है, कुछ भी करता है, अपना और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल लेता। 4 अंडे देना। राम राम मनोहर। राम राम पंडित जी। राम राम। सुनिए अजी, सुनिए, आपने अंडे किस भाव में खरीदे? आपसे मतलब? आप ही के फायदे के लिए पूछ रहा हूँ, हम आपको सस्ता सप्लाई कर सकते हैं। हमारा एक पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म? जी, इसे तो पूछो किस भाव में खरीदे? 4.5 रुपए दर्जन। 4.5 रुपए दर्जन? जी। बड़ी चीट, हम उन्हें सिर्फ 3.25 रुपए दर्जन में सप्लाई करते हैं और आपको 4.5 रुपए दर्जन में बेचते हैं? हाँ। ये तो बेईमानी है। आपके घर में कितने अंडे लगते हैं रोज? 4 अंडे। 4? ठीक है, एक काम कीजिए, इस नोटबुक में आप अपना नाम पता लिख दीजिए, हम आपको रोज 4 अंडे फ्रेश फ्रेश सप्लाई करेंगे। ये दीजिए मुझे। तरकारी खरीदने आए थे आप? जी। आप सुबह 9 बजे तो घर पर रहती है ना? जी हाँ। ये लीजिए। तो फिर कल सुबह मुलाकात होती है। अच्छा। ओके जी, बाय बाय। बाय। अनूप चंद्र ठाकुर? नहीं नहीं, ये इसका नाम नहीं हो सकता, बड़ी तेज है, अपना नाम नहीं बताना चाहती थी तो अपने बाप का नाम लिख दिया। हाय हाय, सुन
ये लड़का तेरे साथ क्या कर रहा था? अरे कर कुछ नहीं रहा था, अंडे दे रहा था। मुर्गा अंडे दे रहा था? अरे कह रहा था उसका फार्म में सस्ते अंडे देगा, वो भी घर पर आकर। अच्छा हाँ, लगता है मुर्गी पसंद आ गई उसे, बड़ी जल्दी फांस लेगा। अरे छोड़ना, ये मुर्गी इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं। अनूप चंद्र ठाकुर। अंडे वाला। ये अंडे वाला कौन आ गया? खैर माँ मैं देखती हूँ, मैंने अंडे वाले से कहा था घर पे अंडे दे जाया करे, अभी आए। अंडे अंडे देखिए कितना ताजा है, अभी सुबह सुबह दिया है। किसने? जी मुर्गी ने दिया जी, लीजिए ना। कितने हैं? छह। पर हमें तो जानता होगा रोज चार लगते हैं, लेकिन हम नए ग्राहक को पहले दिन 50% डिस्काउंट देते हैं, टू अंडे फ्री। लगता है आपको अंडे मुफ्त में पड़ते हैं जी। इसमें हमारा क्या लगता है, मेहनत तो मुर्गा मुर्गी करते हैं ना। मैं आपके पैसे नहीं, पैसों की कोई जल्दी नहीं, हिसाब महीने के बाद हो जाएगा, हो सकता है शायद उसकी भी जरूरत ना पड़े। क्यों? मेरा मतलब है कि हो सकता है ये हिसाब जिंदगी भर चलता है। वैसे आज आप शाम को क्या कर रही हैं? सुना है बालजी रेस्टोरेंट में आज गाजर का हलवा बहुत अच्छा बना है, आप आएंगी? जी नहीं। क्यों? ये दो अंडे जो आपने फ्री दिए हैं ना, जी मैं इसी का हलवा बनाकर खा लूंगी। अच्छा इसका? अरे इसका कास्ता बनेगा। अरे सुनिए, हेलो हेलो, सवा दो रुपए बेकार गए ना। राम राम। माली सामान उतारो। भैया किशन। भैया। अरे प्रेमा, अरे वाह इतनी बड़ी हो गई। माँ जुग जुग जियो बेटा, देख कितना दुबला हो गया है तू, माँ से दूर रहकर क्या शक्ल बना ली है तूने। माँ तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना कहाँ मिलता था माँ, अब देखना कुछ ही दिनों में कैसे मोटा हो जाता हूँ। कैसी है भाभी? कुछ मजा नहीं आया सागर। क्यों? सोचा था लंदन से आ रहे हो, कुछ हाय हुई करोगे, तुम तो वही पैर छूने वाले हिंदुस्तानी रहे। पैर छूने वाले हिंदुस्तानी दुनिया से बहुत अच्छे हैं भाभी, बड़ों के लिए प्यार और सम्मान की जो खुशबू हमारे दिलों से आती है वो और कहीं से नहीं आती। भैया मुझे तो गरम गरम समोसों की खुशबू आ रही है, माँ ने खास तुम्हारे लिए पकाए हैं। अच्छा चलो तो फिर ठंडे ना हो जाए। चलो। गाँव में सब आस लगाए बैठे भैया कि हमारे घर में मेहमान आ रही है। अच्छा माँ तुम्हें हिंदुस्तानी बहू पसंद है या मेम? मुझे तो मेम पसंद है। ठीक है तुम्हारी शादी हम किसी मेम से ही करेंगे। तू अपनी शादी का बोल। मेरी शादी भी हो जाएगी माँ, पहले मुझे बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, उसके बाद प्रेमा की शादी करनी है, और उसके बाद किस्मत में कोई अच्छी लड़की हो तो। प्रेमा यहीं आ जाओ दीदी, पहले चाय पी लो। थैंक यू दीदी। ये मेरे सागर भैया अभी अभी इंग्लैंड से आए हैं। नमस्ते। और भैया ये सावित्री दीदी है, मुझे गाना सिखाती है। तुम्हारा दोस्त अनूप है ना, उसी की बहन है। और क्या गाती है भैया, सुनोगे तो सुनते ही रहोगे, पूरे शिमले की क्रेज बनी हुई है। तब तो हम भी सुनेंगे। अब भी सुनाते हैं। नहीं प्रेमा सुनने दो ना, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, बैठो भी। भैया पिछले महीने ये गाना दीदी ने पिकनिक में गाया था। मेरी सांसों को जो महका रही ये पहले प्यार की खुशबू
अरे ये क्या हुआ? माँ, इस किशन के बच्चे ने मेरा पूरा गाना इरेज कर दिया। इसको तो मैंने तो अपने गाने की रिकॉर्डिंग की थी, मुझे क्या पता था? चुप। गीत का मुकड़ा सुनकर जी चाहता है सावित्री जी कि पूरा गीत सुना जाए। हाँ हाँ, सुनाओ ना दीदी। नहीं प्रेमा, प्लीज माफ कीजिए, फिर कभी सुनाऊंगी। अनु, जब तुम 3 साल के थे तो घर में कोई शोक समाचार, कोई बुरी खबर? पर जब मैं 3 साल का था, प्रोफेसर साहब, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं 3 साल का कब था। हाँ भाई साहब, हाँ, ये उन दिनों 3.25 साल का था जब इसका बड़ा भाई भगवान ने हमसे छीन लिया। पत्री तो ठीक है, और अब तुम 27 साल के हो। जी राहु की मां दशा में परेशानी तो होनी ही थी, पर अब गुरु की मां दशा शुरू हो गई। अनूप, नोट कर लो हमारी बात, जल्दी ही कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसा आना चाहिए। क्या कोई लॉटरी निकलेगी पापा? कुछ भी हो सकता है, पर धन की प्राप्ति का योग है, खोया धन भी मिल सकता है। लेकिन प्रोफेसर साहब, जब धन ही नहीं था तो खोया कब, और जब खोया ही नहीं तो मिलेगा कैसे? भाई वो हम नहीं जानते, पर मिलना जरूर चाहिए। इसी महीने के 4th हफ्ते में देख लेना, और इसके बाद अगले महीने की 3 तारीख को भाग्य स्थान में गुरु और मंगल मिल रहे हैं, जिसका मतलब है जल्दी ही कोई ऐसा बड़ा काम मिले जिससे अच्छी धन प्राप्ति हो। गुरु और शुक्र का 9th पंचम योग होने से अगले 10 साल ऐसे हैं कि पैसा, मान, पोजीशन सब मिले और खूब मिले। मैं अभी आती हूं। सुनो जी, चंद्र और शनि की युति हो रही है, जिसका मतलब है कि हो सकता है 4 जनवरी को अचानक तुम्हारी माँ पे बड़ा कष्ट आए, एकाएक स्वास्थ्य खराब हो जाए। लेकिन प्रोफेसर साहब, कोई खतरा तो नहीं ना? लीजिए भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए, लो लीजिए। हाँ, 101 रुपए का भोग चढ़ाऊंगी भगवान को, बस आपकी बातें सच हो जाए। ये तो विधि का लेख है बहन जी, मेरा अपना विश्वास है कि उसका लिखा कभी नहीं बदलता। लेकिन कभी कभी बातें गलत भी निकलती होंगी। पापा की बात आज तक कभी गलत नहीं निकली। पापा, ये सावित्री की जन्म पत्री देखिए। लाओ बेटी ला। क्या बात है पापा? कुछ नहीं, ये जन्म पत्री तुम्हारी है जी। इसके जन्म के साथ आपको कोई यात्रा करनी पड़ी थी या? जी हाँ, इसका जन्म ही चलती हुई रेलगाड़ी में हुआ था। तब तो इसकी शादी किसी इंजन ड्राइवर से होनी चाहिए। पत्री तो ठीक है, बाकी मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन पापा, इसकी शादी का तो बता दीजिए। नहीं बेटी, इस वक्त नहीं, जल्दी में हिसाब में कोई गलती हो सकती है। और याद नहीं तुम्हें आज घर में प्रोफेसर आने वाले शर्मा? याद है पापा, लेकिन मैं तो इसलिए कह रही थी कि आंटी को सावित्री की शादी की बहुत फिक्र है। अच्छा, आप जन्म पत्री साथ लेके चलिए, फुर्सत में देख के बता दीजिएगा। अच्छा, काश तो आपकी छुट्टी होगी। क्यों? आज संडे है ना, अगर आज आप मेरे साथ बालजीज में गाजर का हलवा खाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप अंडे लाए हैं? अंडे तो लाए हो, लेकिन मैं संडे की बात कर रहा था। आज शाम को मैं बालजीज रेस्टोरेंट में आपका इंतजार करूंगा। कोई फायदा नहीं। नहीं आएंगे आप? तो ठीक है, हम यही सत्याग्रह कर देते हैं, हमारा क्या है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, अगर किसी ने देख लिया तो उठिए ना प्लीज। बचपन में मेरी दादी सावित्री की कहानी सुनाया करती थी, और तब से मैं उनकी पूजा करता आ रहा हूँ। लेकिन मेरी दादी ने यह तो कभी नहीं बताया था कि सावित्री का दिल पत्थर का था। मनोहर कहानियां तो मैंने भी बहुत पढ़ी हैं, लेकिन किसी कहानी का हीरो ऐसा अंडे वाला तो नहीं था। अरे?
देश को बिजली की बहुत जरूरत है और बार बार घंटी बजाने से बिजली खर्च होती है और उस पर बिल आता है कि नहीं? वो तो आता, लेकिन तुम्हारा क्या बिल से मतलब? वो बिल मुझको देना पड़ता है, अनूप चंद ठाकुर। अरे जाओ जाओ, सुबह सुबह किसको बनाते हो? तुम क्या बाप दिखते हो? बाप? किसका बाप? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? तो फिर तुम आप भाई है? किसका भाई? ओ मेरे भाई जी, मेरे भाई साहब, आप कहां थे? मैं तो आप ही से मिलने आया हूं। ये पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट आप ही लेते ना? लीजिए, हमारे ऑफिस का पेंट खराब हो गया, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। ओ, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? जी बस बताने वाला, आइए अंदर बैठ कर बात। हाँ जी जी, वो बिजली का बिल। ओ बिजली का बिल, थैंक यू। सावित्री? ये सावित्री कौन है? मेरी बहन। ऐसे अभी आएगी। ये है मेरी छोटी बहन सावित्री। नमस्ते सावित्री जी। नमस्ते। आई आई, हाँ जी अंदर आइए। हेलो, आई। आपका नाम पूछना तो भूल ही गया। जी मेरा नाम मनोहर है, मनोहर धनी। धनी मतलब? जी नहीं, हम तो सिर्फ दिल के धनी हैं। सावित्री एक कप चाय बना देना। आई आई आई। मेरी भाभी, भाभी। ये मैं तो नहीं हूँ। दो ना भाभी। बुआ जी भी नहीं हो सकती। प्रेमा और किशन तो हो ही नहीं सकता। कौन है ये? कोई लड़की है ना? दो ना भाभी, सब कुछ जान तो गई हो। लो मैं क्या जानूं? लेकिन इसमें से तो खुशबू आ रही है। खुशबू? हाँ, पहले प्यार की खुशबू। मैं अभी जाके बुआ जी को बता दूँ। अरे नहीं भाभी, अभी तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। अरे बात नहीं है तो हो जाएगी, हो जाएगी। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ओफो भाभी। अब चलो, खाने पर सब इंतजार कर रहे हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। कहिए जी। मैं लक्कड़ बाजार से आया हूँ, अनु बाबू को मिलना। जी ठहर जाइए एक मिनट। अच्छा जी। हाँ चंपा, वो चंपा तुझसे कोई मिलने आया है? मुझसे? हाँ, मुझसे कौन मिलने आएगा? कहता है लक्कड़ बाजार से आया है। लक्कड़ बाजार से? लक्कड़ बाजार से आप? जी हाँ, मैं ही आया हूँ। बाप रे, ये तो आप मारता है। अच्छा मजा करती है मेरे साथ। हो गई बातें आंखों आंखों में। कौन है ये? चले शर्म नहीं आती। अनूप साहब। अरे अनूप साहब, आप अंदर आके बैठिए, मैं उनको बुलाती हूँ। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। भैया कोई मिलने आया है। अच्छा हाँ। मैं अभी आया। कही है? अनूप बाबू, आपका ही नाम है महाराज जी? मुझे अमृतलाल जी ने भेजा है। अमृतलाल जी? एक तो अमृतलाल का नाम ले रहे हो, ऊपर से आंख मार रहे हो। ये तो मेरी बचपन की आदत है महाराज, बचपन की। हाँ तो कौन सी अच्छी आदत है? सुबह सुबह उस मनहूस अमृतलाल का नाम लेकर मेरे सारे दिन का सत्यानाश कर दिया। वो अमृत नहीं, जहर है जहर। उसने मेरी मेहनत का पैसा खाया है, देखना उसको खाने के लिए जहर भी नहीं मिलेगा। मेरी बात? मैं आपकी बात क्यों सुनूं साहब? 3.5 साल हो गए उसने मेरे पैसे नहीं दिए। हाँ उसको जाकर बोल देना मेरे 457 रुपए 457 जन्मों तक उसके पीछे भूत बनकर घूमते फिरेंगे। लेकिन आप? अरे आप दफा हो जाइए यहाँ से, मैं आपकी या उसके किसी भी आदमी की शक्ल तक देखना नहीं चाहता। गेट आउट। लेकिन मैं आपके लिए पैसे तो लेकर आया हूँ। मुझे नहीं। अजी गिन लीजिएगा महाराज, पूरे 457 रुपए हैं और अमृतलाल जी ने देरी के लिए माफी भी मांगी है। लीजिए मैं चलता हूँ। देखा पापा की बात सच निकली ना, तुम्हारा खोया हुआ धन वापस मिल गया। भैया अब तो हम अमीर हो जाएंगे ना। अरे क्या हुआ, क्यों इतने खुश हो रहे हो? माँ भैया को खोया हुआ धन मिल गया। अच्छा पापा की बात एकदम सच निकली। भगवान करे उनकी सब बातें सच निकले। माँ आज तो खीर बनेगी। चलो अब मेरे साथ गाओ। बिजुरी चमके बरसे, बिज
बिजुरी चमके बरसे मेहरवा आई बदरिया मेहरवा आई बदरिया गरज गरज मुनिया कई डरावे गरज गरज मुनिया कई डरावे बिजुरी ये चुप चुप कर क्या सुन रहे हो मैं तो सामने आकर सुनने से डर लगता है क्या भाभी बात ये है कि मैंने सोचा कहीं ये डिस्टर्ब ना हो इसलिए लो सावित्री अपने दीवानों में इनका नाम भी लिख लो मेरा मतलब है संगीत के दीवानों में सुना दो इन्हें जो सुनना है नहीं तो सारी रात तुम्हारी टेप सुनते रहेंगे नहीं भाभी मैं तो सिर्फ वही गीत सुनूंगा मेरी सांसों को जो महका रही है जब से मुखड़ा सुना है दिल पूरा गीत सुनने को बेचैन है अच्छा चलो हम सब सुनते हैं नहीं भाभी मुझे खुद बुरा लग रहा है आपको ना करते हुए लेकिन क्या करूं मुझे दूसरे ट्यूशन पे जाना है अच्छा प्रेमा अंडे वाला क्या हुआ ये लीजिए अंडे लेकिन ये मेरे फार्म की नहीं है क्यों मेरे फार्म की मुर्गियां हड़ताल पर हैं मुर्गियां और हड़ताल पर जी हाँ कहती हैं नए ग्राहक से मिलाओ कल से नारे लगा रही हैं जब तक नहीं मिलाओगे अंडे नहीं पाओगे सच्ची ठीक है मैं भैया को भेज देती हूँ अरे नहीं भाइयों से मेरी मुर्गियां बहुत डरती हैं आधी तो देखते ही मर जाएंगी और मुझे देख के खुशी की किलकारियां लगाने लगेंगी हो सकता है शायद खुश होकर डबल अंडे देना शुरू कर दे तो आप आएंगी ना मुझ बेचारे पे तरस खाइए नहीं मेरी मुर्गियों पे तो तरस खाइए बिल्कुल नहीं फिर भी 3 बजे नेहरू पार्क में आपका इंतजार करूंगा और आप जरूर आएंगे आपने बहुत देर कर दी आने में सब चली गई सबकी सब चली गई कौन चली गई मेरी मुर्गियां सुबह जब आपके घर से मैं पोल्ट्री फार्म पर आया तो बड़ी उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखने लगी और जब मैंने उनसे कहा कि आप नहीं आने वाली तो थोड़ी लंबी सी चीख मारी और प्राण त्याग दिए मैंने अपने हाथों से उनको पाला पोसा था और अब इन्हीं हाथों से आप मेरे साथ आइए 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 वो देखिए वो आपकी चिता से उठा बंद हुआ बहुत बुरा हुआ आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ जी आपकी तो सारी कहानी खत्म हो गई मेरा तो सब कुछ ही खत्म हो गया मैं तो लूट गया बर्बाद हो गया राम आए बहुत कठिन समस्या है आपकी वो तो है कोई दूसरी झूठी कहानी सोच लीजिए जी 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 सुनिए सावित्री जी सर सर आप कहाँ जा रही है इसी घड़ी का तो इंतजार था मुझे कि आप मेरा झूठ पकड़े और मैं अपने दिल की बात कहूं मैं आपसे प्यार करता हूं फिर झूठ मैं झूठ नहीं कह रहा इस बार सच कह रहा हूं यह एक सच बोलने के लिए ना जाने मैंने कितने झूठ बोले जिस तरह आपने आज तक मेरे उस झूठ को अपनाया है सावित्री जी उसी तरह मेरे प्यार को अपना लीजिए प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए सावित्री जवाब दो मुझे प्यार के बदले में प्यार मिलेगा और प्यार मिलेगा ना दीदी नमस्ते दीदी तुम अकेले आए हो नहीं सब है आइए ना नमस्ते 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 चाय पियोगी नहीं आज आप कौन सा गीत सुना रही हैं अभी तक सोचा नहीं सोचा नहीं तो फिर मेरी फरमाइश पूरी कर दीजिए हाँ ये तो आया ही उस गीत के लिए है क्या था वो सागर नहीं आहों को जो बहका रही है क्या आहों को नहीं भाभी सांसों को एक ही तो बात है पहला आइटम आप ही का अच्छा जी सुनिए मेरे अनुरोध का ख्याल रखिएगा देखिए नहीं जरूर अरे अरे क्यों भाई किधर अच्छी बिल्ला है जी बिल्ला अच्छा अच्छा
तो आप यहाँ बैठी हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया, आपके बच्चों से पूछा। जी वो मेरा मतलब आपके स्कूल के एक एक बच्चे से पूछा, और जब पता चला कि आप यहाँ गा रही है तो वॉलंटियर का बैच मार के सीधा यहाँ पहुँच गया। आप चाहते क्या हैं? चाहता क्या हूँ? बदला। क्या मतलब? अपने प्यार का बदला। सावित्री जी आपका अनाउंसमेंट हो गया है। हाँ, अच्छा। हाँ जी सुनिए सुनिए, तो वो कल तो आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, कम से कम आज तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। सुनने मेरी बाहों में आके जगा कर अनोखी प्यास मन में, ये मीठी आग जो दहका रही है, ये पहले प्यार की खुशबू तेरी सांसों से शायद आ रही है, मेरी सांसों को जो महका रही है। ये आँखें
मैं सावित्री के घर जा रही हूँ। क्या आपने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है। आंटी रोज पूछती है कि सावित्री के बारे में क्या बोला और आप है कि आजकल आजकल करते जा रहे हैं। तू तो जानती है मैं कॉलेज के काम में कितना बिजी हूँ। तू ऐसा कर, ये जन्म पत्री तू उसे वापस ही कर दे, जब फुर्सत होगी तो मंगवा लूंगा। पापा आप भी झूठ बोलते हैं, अभी कल ही तो मैंने देखा कि आप जन्म पत्री लेकर कुछ हिसाब कर रहे थे। हाँ, वो तो मैं यूं ही कुछ जनरल बातें देख रहा था। आप जरूर कुछ छिपा रहे हैं पापा, बताइए ना क्या बात है। चंपा तू तो जानती है हमारे शास्त्र में बुरी बात बताना मना है। मना सावित्री के लिए है, मुझे तो बता सकते हैं आप। अरे भाई तुम दोनों पक्की सहेलियां हो, तेरे मुंह से कोई बात निकल गई तो। मैं नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। क्या है उसके भाग्य में बताइए ना पापा। उसकी कुंडली के हिसाब से शादी के पहले 40 दिन बहुत। क्या होगा, दोनों में झगड़ा हो जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा। बात इससे भी ज्यादा गंभीर है बेटी, ये 40 दिन उसके पति के लिए इतने भारी होंगे कि लड़की किसी दिन भी विधवा हो सकती है। पापा आपने अच्छी तरह तो देखा है ना। कोई उपाय तो होगा। फूल नक्षत्र में लड़की का चंद्र हो तो पहली शादी में विधवा का योग होता ही है। तो क्या सारी जिंदगी दुखी दुखे बेचारे की किस्मत में। ये पत्री बड़ी अजीब है बेटी, ग्रहों के अनुसार उसकी दूसरी शादी भी है। दूसरी शादी विधवा होने के बाद। और उसके बाद सुखी सुख है। एक बात और कह देता हूँ बेटी, ऐसी बातें किसी को बताई नहीं जाती, समझी। सुन लिया तो अच्छा, अब डर लग रहा है। क्यों, हीरो अच्छा लगा या मनोहर? घर से निकलवाने का इरादा है क्या? अरे भाई आंटी तो पड़ोस में गई हैं। अगर ये मुर्गी इतनी ही बेचैन थी फंसने के लिए तो मुझसे बोला होता, मैं एकदम अच्छा मुर्गा ढूंढ देती। मनोहर तो लावारिस है, ना घर ना माँ बाप, एकदम गैर जिम्मेदार। देख चंपा, अगर तुमने इसके बारे में कुछ कहा ना तो तेरा मेरा झगड़ा हो जाएगा। अरे जा, दुनिया में अकेले होते हुए भी कितना हंसमुख है। तुमने उसके चेहरे पे आज तक दुख या गम की परछाई देखी? आज एमएससी में है, कल डॉक्टरेट करेगा और एक दिन डेफिनेटली बहुत बड़ा आदमी बनेगा, सब अपनी मेहनत से। ओहो, तू तो गई काम से। तू ठीक कहती है, एक दो दिन नहीं मिलती दिल बेचैन होता है। लेकिन इस बेचैनी का अंत क्या होगा? जो होगा भला होगा, भगवान करे। पर ये मत भूल कि दिलों की बाजी जीतने वाले जिंदगी की बाजी अक्सर हार जाया करते हैं। मैं हार गया, जिंदगी की बाजी सचमुच हार गया। ओफो। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? हाँ? क्या बात? क्या हुआ इसे? माँ वो हॉस्पिटल है ना, उसमें मुझे। हॉस्पिटल में क्यों, क्या तकलीफ है तुझे? तकलीफ ये है माँ की, उस हॉस्पिटल के लिए फर्नीचर और पेंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर भरा था। हाँ। वो मंजूर हो गया। अरे ये तो खुशी की बात है। हाँ। अरे क्या खुशी की बात है, अभी टेंडर मंजूर हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला और न मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 2.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। 2.5 लाख? इसमें खुश होने की क्या बात है, इसमें क्लॉज नंबर 6 पढ़ो, लिखा है 7 दिन के अंदर अंदर 10% कैश जमा कराना पड़ेगा। 25,000 रुपए कहां से लाऊंगा? 25,000 रुपए। और माँ अगर 25,000 रुपए जमा नहीं कराना तो वो एप्लीकेशन के साथ जो मैंने 250 रुपए दिए थे ना वो भी चले जाएंगे। नहीं भैया, ना तुम्हारा डिपॉजिट जाएगा ना ये कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे प्रोफेसर साहब की बात का पूरा यकीन हो गया। तुम ही सोचो, अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ना मिलना होता तो तुम्हारा टेंडर ही क्यों मंजूर होता। सावित्री ठीक ही कह रही है बेटा, अब भगवान ने हमारी सुन ली।
तू दो चार जगह कोशिश करके देख, पैसे मिल ही जाएंगे। हाँ भैया, हंसो ना, हंसो भी। मैं क्या राय दूं भैया, अब तो मुझसे ज्यादा आप अनु को जानते हैं। भाई अब तक तो मेरी उसके साथ छोटी मोटी डीलिंग्स रही है, आदमी हमेशा जबान का पक्का रहा है, अब क्या रकम बड़ी थी मुझसे सोचा। तो दे दो उसे पैसे, एक तो सागर वो तुम्हारा दोस्त रहा है और फिर सावित्री का भाई है, रिश्ते इसी तरह तो बनते हैं। भाई आप दोनों जानो, आप लोगों का फैसला गलत थोड़ी होगा। और कुछ कह रहे थे वो लोग? सागर बोला दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो दोस्ती का फायदा ही क्या। अच्छा। और ये नहीं माँ, आगे भी कभी जरूरत पड़ेगी ना तो वो मदद करेंगे हमारी। इसी बात पे एक एक लड्डू और हो जाए। भगवान उन्हें और दे। अरे अनूप देखते जाओ, पापा ने जो कहा है ना सब कैसे सच निकलता है। अरे तुम लखपति बनने वाले हो लखपति। एक एक लड्डू और हो जाए। तेरे लिए तो भगवान ने सुख संपत्ति के द्वार खोल दिए अनूप, बस अब सावित्री अपने घर चली जाए तो। माँ को तो 24 घंटे मुझे घर से निकालने की फिक्र ना बेटी ना। अरे माँ से ज्यादा फिक्र तो मुझे है, पहले तो बहुत चिंता थी लेकिन अब सब अरमान पूरे कर लूंगा। बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा अपनी बहन की, एक ही तो लाडली बहन है मेरी। ओए ओए, पहले एक अच्छा लड़का तो नजर में रख। अरे माँ मेरी बहन के लिए लड़कों की कमी है क्या? अरे हाँ बहुत है। अरे दो चार को तो सावित्री भी जानती है, साइंटिस्ट है, केमिकल एनालाइजर है, एक टूरिस्ट गाइड है और एक कंडे वाला है। क्यों री, तू जानती है इन सबको? अच्छा बता तुझे कोई पसंद है इनमें से? तुम चाहे हमको पसंद ना करो पर तुम हमको पसंद हो पर तुम हमको पसंद हो। तुम जो हमें दिल से पसंद कर लो अपनी तो किस्मत बुलंद हो अपनी तो किस्मत बुलंद हो। प्यार में पागल होके तुम इन बहारों में कभी खोई नहीं। ये बहारें बोलेंगी दिल दिल के खोलेंगी दिल में तुम्हारे सिवा तो कोई नहीं। लाख मनाया दिल ना माना हम कैसे तुमको पसंद ना करें जब तुम दिल को पसंद हो हाँ तुम दिल को
वाह वाह, कितनी प्यारी धुन है। क्यों बंद क्यों कर दिया? इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन म्यूजिक टीचर जरूर बन जाओगे। क्यों मजाक कर रही हो भाभी? क्यों, म्यूजिक टीचर ही तुम्हें पसंद नहीं? पसंद से क्या होता भाभी, संगीत विद्या आनी भी तो चाहिए। वो तो है, लेकिन इस तरह बाजे पे टूटा करने से वो नहीं आएगी। तो मुझसे क्या पूछते हो? मैं तो इतना जानती हूँ कि जब प्रेमा संगीत सीखती थी तो घर में बड़ी रौनक थी। बाकी टीचर का तो काम सिखाना है, कोई भी सीख सकता है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। सागर साहब ने ये खत दिया है। अच्छा। गुड इवनिंग मिस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिस। सावित्री जी नमस्ते। प्रेमा माँ के साथ क्या चली गई कि आपने हमारे घर आना ही छोड़ दिया? आपने गीत गाकर मेरा अनुरोध तो पूरा किया, पर उसके लिए धन्यवाद देने का आपने मुझे अभी तक मौका नहीं दिया। आज भी आपका वो गीत मेरे कानों में गूंज रहा है। जी चाहता है कि आप हमेशा सामने बैठी गीत गाती रहें और मैं सुनता रहूं। आपको जब पहली बार देखा था तो मेरे मन के तार झंझना उठे थे। उस पहले स्पर्श की याद मेरे मन को इतना सुख और शांति देती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बस आंखें आपके दर्शनों के लिए दरवाजे पर लगी रहती हैं। ऐसा नहीं हो सकता सावित्री जी कि प्रेमा की जगह आप मुझे अपना शिष्य बना लें। मुझे विश्वास है मेरी सभी अभिलाषाओं को आप जरूर पूरा करेंगी। आपका सागर। अरे सावित्री आओ आओ। नमस्ते भाभी। चलो तुम आई तो सही, मैं तो समझी तुम रूठ गई हमसे। बैठो बैठो ना, बेचारा सागर रोज शाम को हारमोनियम के पास बैठकर तुम्हारा इंतजार करता है। उन्होंने मालिक के हाथ ये चिट्ठी भेजी है, ऐसी बातें लिखते उन्हें शोभा नहीं देता। तुम चाय पियोगी? नहीं भाभी। ऐसा भी क्या लिख दिया उसने? आप खुद ही पढ़ लीजिए ना, मेरी तो समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। समझी, तुम्हारी तारीफ लिखी होगी। अरे कोई सच्चे दिल से तारीफ करे तो उसका बुरा नहीं मानते। फिर सागर कोई गैर तो नहीं? अनूप का दोस्त ही है। दोस्त है तो दोस्ती भैया के साथ रखें, मुझे ये सब पसंद नहीं। अरे तुम तो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। वो कितना मानता है तुम लोगों को। अब कल ही अनूप को रुपयों की जरूरत थी, कैसे झट से चेक काट दिया उसने। अच्छा तो वो 25,000 इसलिए दिए गए? किसी की जरूरत को आप लोग पैसे की तराजू में तोलते। क्या बात है भाभी, क्या हुआ? देखो ना, बिना बात के नाराज हो रही है। गरीबी का मजाक उड़ाना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। दोस्ती और मदद के आड़ में ये बात आप लोगों के दिलों में होगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सावित्री सावित्री सुनो तो। मुझे तो याद भी नहीं माजी मैंने ऐसी क्या बात कह दी जिससे सावित्री गलत समझ बैठी। बहू तुम बड़ी हो, कुछ कह भी दिया तो क्या, छोटी बहन को कुछ नहीं बोल देते? मैं तो कल ही माँ से कह रहा था, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। सागर को कितना दुख हुआ तुम नहीं जानते, वो तो कल ही आ रहा था। मेरी समझ में तो मैंने कोई गलती नहीं की, अगर अनजाने में कोई भूल गई हो तो माफी मांगना मेरा फर्ज है, आपसे भी और सावित्री से भी। अरे कैसी बात करते हो बेटा, जब कोई बात ही नहीं तो माफी कैसी। ये लड़की तो ना समझ है, जरा सी बात लगी दिल को कि लगी रोने। तुम लोग बैठो बातें करो, मैं अभी चाय बनाती हूँ। अनूप तुम्हारे दिल में कोई बात तो नहीं? अगर बात हो भी तो दोनों दोस्त हैं, आपस में देख लेंगे। मैं माजी की मदद करती हूँ। लाइए माजी, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं बहू तुम क्यों तकलीफ करती हो? तकलीफ कैसी, लाइए ना लाइए, मैं ग्लास रखती हूँ। हमारे घर में कप पूरे नहीं हैं। तो क्या हुआ, सागर को चाय ग्लास में ही अच्छी लगती है। अच्छा कितना अच्छा लड़का है, विलायत हो आया पर यहाँ की बातें नहीं भूला। खमन नए पैसे का नहीं, बड़े अच्छे स्वभाव का लड़का है। आपको पसंद है? हाँ? मैं चाहती हूँ सावित्री का रिश्ता सागर के साथ हो जाए। बहू हमारे घर की हालत तो तुमसे छिपी नहीं। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, हमें सुशील लड़की चाहिए, बड़ी सुखी रहेगी सावित्री। लेकिन सागर की माँ को ये रिश्ता? बुआ जी बहुत सीधी है, उन्हें तो वही लड़की पसंद होगी जो सागर पसंद करेगा। लीजिए मुंह मीठा कीजिए, अब ये रिश्ता पक्का ही समझ लीजिए।
अच्छा माँ जी, आप जिस दिन कहेंगे बुआ जी को बुला लूंगी। शुभ मुहूर्त देखकर लड़की रोकने की रस्म कर लेंगे। अच्छा अच्छा माँ जी, जीते रहो बेटा। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते, मैं जरा इनको छोड़ के आता हूँ। हे बंसी वाले, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सावित्री के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आएगा। तेरी कृपा से ये शगुन हो जाए तो। ये शगुन नहीं होगा। क्या आप शगुनी की बात मुंह से निकालती है? जानती भी है कुछ? तेरे लिए सागर का रिश्ता आया है। जानती हूँ, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्यों मंजूर नहीं है? क्या जिंदगी भर कुमारी बैठी रहोगी? हाँ हाँ, कुमारी बैठी रहूंगी, लेकिन ऐसे पैसे के घमंडी लोगों से मुझे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। नहीं जोड़ना तो जा मर किसी झोपड़ी में और फूंक दींदरा चूल्हा। उसे क्या लड़कियों की कमी है? तेरे जैसी हजार मिल जाएंगी उसे। तो ले आए ना, मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? तेरी माँ के बुढ़ापे पे तरस खाने आए थे वो लोग, मेहरबानी करने आए थे हम पर। नहीं चाहिए उनकी मेहरबानी, कोई भूखे तो नहीं मर रहे, रूखी सूखी खाई लेते हैं। सुना अनूप, 300 रुपए क्या कमाने लगी है? सारी दुनिया इसे छोटी नजर आ रही है। कह रही है कि सागर से शादी नहीं करूंगी। लेकिन अरे जन्म जली, अपना भला बुरा तो जानवर भी सोच लेते। मैं भी सोच कर कह रही हूँ। भैया मेरी शादी की बात मत करना, मैं अपनी शादी खुद करूंगी। सावित्री खुद करेगी, खुद करेगी, शादी खुद ही करेगी। तो मुझे जहर दे दे, पहले मेरी अर्थी उठाकर बाहर रख दे। कैसी बातें कर रही हो माँ तुम? देख अनूप, देख इसका भाग, देख लक्ष्मी खुद चलकर इसके घर आई है। और माँ, माँ, सावित्री, सावित्री। मेरे बैग में लाल रंग की शीशी है, जल्दी ले आ। अच्छा हो सकता है 4 जनवरी को अचानक तुम्हारी माँ पर बड़ा कष्ट आए, एकाएक स्वास्थ्य खराब हो जाए। भैया क्या हुआ, दवा नहीं मिली? ये तारीख याद है भैया? फिर प्रोफेसर साहब की बात सच निकली। हाँ। ये दवा ले, 4 कतरे पानी में डालकर माँ के पास ले आ, जल्दी। अच्छा माँ, माँ तबीयत तो ठीक है ना? लो ये दवा पी लो माँ। अनूप, मेरा दाया हाथ नहीं उठ रहा। ये पकड़ो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। जल्दी माँ, जल्दी आइए डॉक्टर, जल्दी आइए। डॉक्टर साहब के लिए चाय तो बनाओ। गोविंदा गरुड़ ध्वज गुंडी माधव। बंद कर यार। साहब बर्फ, साहब जल्दी उठिए, मौसम की पहली बर्फ गिरी साहब। गिरने देना क्या? हाँ देखिए ना। अरे कोटला कोटला, जल्दी ला, जल्दी ला। तेरी थे। ये क्या कर रहे हो? उप्ती हो, मौसम का इशारा समझा रहा हूं। हे, इतने दिनों बाद मिली और उस पर ये। मेरा हाथ छोड़ो। ओ बाबा रे बाबा, ऐसा भी क्या पारा गर्म है जो बर्फ पड़ने पर भी ठंडा नहीं हुआ? अरे हो मेम साहब, अरे मेम साहब, 3 दिनों से तुम्हारे घर के चक्कर लगा लगा कर पूरे 2 किलो और 400 ग्राम पिघल चुका हूँ, और आप हैं कि कुछ पता ही नहीं। मनोहर, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ले, ओके, मजाक के मूड में नहीं है तो सीरियसली बता दो, 3 दिनों से थी कहाँ पर? बोलो। जानना चाहते हो? या। ओ आई सी। मेरा तो शादी का कोई इरादा नहीं था सर, मैं तो सोच रहा था कि मार्च में एमएससी का एग्जाम देकर किसी नौकरी पे लग जाऊंगा, कहीं एस्टेब्लिश हो जाऊंगा, कमाने लगूंगा, फिर शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन ये सब, इसका मतलब है कि फिलहाल तुम उससे शादी नहीं कर सकते, और ना ये चाहते हो कि सावित्री की शादी सागर या किसी दूसरे के साथ हो। मैं तो यही चाहता हूं सर, लेकिन उधर मां का दबाव, सागर के एहसान, मुझे तो डर लगता है सर। सर
मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप मेरे गॉडफादर हैं। आप मेरे फादर बनकर उनसे बात कीजिए ना, आप हम दोनों को बचा सकते हैं। डोंट वरी माय सन, सावित्री की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। मैं उनसे जाकर रिश्ते की बात करूंगा। थैंक यू सर। सुन सी खोई खोई जैसे हो बुत कोई, पर घुम सुन सी खोई खोई जैसे हो बुत कोई। बोलो क्या सोच रही हो, अरे क्या सोच रही हो, खोई खोई जैसे हो बुत कोई। समझ गया समझ गया, मैं सोच रही हो बिना पंख उड़े बादल कैसे, नहीं तो फिर समझ गया मैं सोच रही हो बर्फ कहाँ से बरसे ऐसे, नहीं नहीं तो फिर जान के मत अनजान बनो, तुम मेरी उलझन क्या समझो, हर पल डरता है मेरा मन, सोचा करता है मेरा मन, मेरी किस्मत में है या नहीं बनना कभी तुम्हारी दुल्हन, सोचा भी तो ये क्या सोचा, मुझ पर नहीं है भरोसा क्या, सोचा भी तो ये क्या सोचा, मुझ पर नहीं है भरोसा क्या, उस आसमान से पूछो ये धरती देगी गवाही, जीवन के सफर में हम तुम है एक मंजिल के राही, डरो तो करो मत प्यार, करो तो डरो मत यार, सोचो मत मुस्कुराओ मेरे साथ आओ, गाओ एक बार, अरे गाओ ना, डरो तो डरो मत प्यार, डरो तो डरो मत यार, डरो तो डरो मत प्यार, डरो तो डरो मत सोच रही हो, तुम सुन सी खोई खोई जैसे हो बुत कोई। बोलो क्या सोच रही हो, अरे क्या सोच रही हो, समझा समझ गया मैं सोच रही हो, हनीमून को कहाँ चलेंगे, हाँ हाँ हनीमून को कहाँ चलेंगे, जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे, देश विदेश की सैर करेंगे, फिर ख्याल
सालों में। समझ गया अब सोच रही हो, होंगे अपने कितने बच्चे। हाँ, होंगे अपने कितने बच्चे। हम दोनों के दो ही अच्छे, बस दो ही। और नहीं तो क्या, सौ? सौ तो नहीं, पर क्या? कम से कम हो तो दो दर्जन, भरा भरा सा लगे घर आंगन। अरे बाप रे बाप, क्या सोच रही हो, मेरा नहीं तो कुछ देश का सोचो। बस डर गए, डर डरो तो करो मत प्यार, डरो तो डरो मत यार, डरो तो करो मत प्यार। किस्मत मानेगी कर्नल, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर, अब पल्स नॉर्मल है एंड नो मोर कन्वर्शंस। दैट्स बेटर। कर्नल, अब जान का खतरा नहीं। सावित्री, डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप कोई खतरा नहीं। हाँ, चल अब घर चले, मां के जागने से पहले ही घर पहुंच जाए तो अच्छा है। चल भैया, एक बार उसे देख सकती हूँ? एक मिनट। कम Excuse me, doctor's coming. एक बात और डॉक्टर, उसे होश कब तक आएगा? अभी कुछ नहीं कह सकते कर्नल, हो सकता है 5 मिनट बाद होश आ जाए और हो सकता है 5 दिन भी लग जाए। दिमाग पर कोई असर तो नहीं? तुम्हारा मतलब उसकी याददाश्त से है? हाँ। ये तो वक्त ही बताएगा कर्नल, हो सकता है कुछ भी नुकसान ना हो और हो सकता है उसकी याददाश्त का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए खो जाए। ओके कर्नल। चिंता मत कर बेटी, ये मत समझना मनोहर को कोई नहीं, मैं हूं ना यहां पे, मैं हूं। जाओ जाओ कर जाओ जाओ। एक्सीडेंट वाले दिन तू मनोहर से मिली थी? हाँ। क्या बातें हुई? मैंने उसे बता दिया माँ क्या चाहती है। वो क्या बोला? उसने कहा कर्नल साहब माँ से मिलकर हम दोनों की शादी की बात जल्दी ही तय कर देंगे। ओह, तभी तो। तभी तो क्या? सावित्री, तू मनोहर को भूल जा। मनोहर को भूल जा? क्यों? पापा ने तेरी जन्म पत्री देखी थी पर मैंने उनकी कही बात नहीं बताई थी तुझे। कौन सी बात? क्या कहा उन्होंने? उनका कहने का मतलब यही था कि अगर तू मनोहर से शादी करेगी तो वो क्या होगा मनोहर को? तो तू 40 दिन के अंदर विधवा हो जाएगी। अनु परांति के बारे में पापा ने जो जो कहा वही हुआ। तू ही सोच, अभी तो तूने उससे शादी की बात ही की थी, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। शादी के बाद क्या होगा? मैंने पापा को वचन दिया था कि मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी, मगर मैं तेरा सर्वनाश भी तू नहीं देख सकती।
ठीक है, अगर मेरे भाग में ये लिखा है कि मैं मनोहर से शादी नहीं कर सकती तो मैं शादी ही नहीं करूंगी, किसी से नहीं करूंगी। तू नाराज है मुझसे? नहीं माँ, तुमसे मैं नाराज हो सकती हूँ भला? तेरी भलाई के लिए ही ये जिद कर रही हूँ बेटी। ये सच है कि धन दौलत ही सबसे बड़ी चीज नहीं है दुनिया में, लेकिन पैसा पास हो तो दुनिया के बहुत से सुख खरीदे जा सकते हैं। मुझे देख, सारी जिंदगी गृहस्थी के कामकाज भी कट गई, सारी खुशियां सारे सुख चूल्हे चौके और झाड़ पोछ में ही खत्म हो गए। आज ये नहीं तो कल वो नहीं, जीना ऐसे हो गया है जैसे कोई कैद काटी जा रही हो। तुम भी क्या बात ले बैठी माँ? नहीं बेटी, मेरे मान ले, सागर से शादी कर ले, तेरी गरीबी का कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। मैं गरीब नहीं हूँ माँ, मेरे पास भाई का प्यार है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, ये दौलत क्या कम है? तुम जल्दी से ठीक हो जाओ माँ, लगता है अंगीठी बुझ गई है, अभी जला कर लाती हूँ। लीजिए डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। क्या बात है, माँ की तबीयत ठीक होने के बजाय रह रहकर बिगड़ क्यों जाती है? यही तो मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूँ। अच्छे से अच्छा इलाज हो रहा है, फिर भी कोई दवा असर नहीं कर रही, क्यों? कोई ना कोई टेंशन जरूर है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा। अनूप, क्या घर में कोई झगड़ा चल रहा है? डॉक्टर साहब, सागर को तो आप जानते ही हैं, उसे सावित्री की शादी की बात चल रही है। माँ चाहती हैं कि शादी वहीं हो, लेकिन सावित्री वहां शादी नहीं करना चाहती। देखो बेटी, मैं एक डॉक्टर हूं, मरीज की भलाई मेरा पहला फर्ज है, इसलिए मैं ये समझाना जरूरी समझता हूं कि दिमागी तनाव यानी टेंशन ही तुम्हारी माँ की बीमारी की जड़ है। जब तक ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा बीमारी ठीक नहीं होगी। अगर तुम उन्हें खुश रख सको तो अच्छी हो सकती है, नहीं तो हो सकता है किसी दिन अचानक ही जान को खतरा हो जाए। हेलो, तुम्हारा पेशेंट अभी तक होश में नहीं आया, तुम बैठो, हम अभी आता है। Thank you.
सावित्री तुम्हारी ये चिट्ठी। भैया हॉस्पिटल की क्या खबर है? हॉस्पिटल तो नहीं जा पाया लेकिन कर्नल साहब मिले थे। मनोहर होश में आ गया और खतरे से बाहर है। अनु भैया लड़के वालों के यहाँ से कोई आदमी आया है। अच्छा चलो। सावित्री तेरी शादी का निमंत्रण मिला। तूने तो तय कर ही लिया था कि तू किसी से शादी नहीं करेगी, इसलिए मैं निश्चिंत होकर बंबई चली आई। बात यह है कि मैंने तेरे बारे में बताई पापा की सब बातें तुझसे नहीं कही। तेरी पत्री के अनुसार शादी के पहले 40 दिन तेरे पति पर बहुत भारी है। ग्रहों की दशा ऐसी है कि तेरा स्वभाव मिट के रहेगा। पापा ने ये भी कहा है कि तेरी दूसरी शादी का भी योग है और तब तेरा जीवन सुखी होगा। इन हालात में तू क्या करेगी, तुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ सलाह नहीं दे सकती। घर के और लोग भी इस खत के बारे में जानते हैं? नहीं, माँ के बारे में तो आप जानते हैं, उन्हें पता चल गया तो। तुम्हें विश्वास है इन बातों पर? प्रोफेसर साहब की कोई बात आज तक गलत नहीं निकली। इसका मतलब है मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो भविष्यवाणी मानकर शादी से इनकार कर, या जानबूझकर मौत को स्वीकार कर लूं। आप चाहे तो शादी रुक सकती है। सावित्री आज तक तो मैं तुम्हें प्यार करता था, लेकिन आज ये चिट्ठी मुझे दिखाकर तुमने प्यार के साथ साथ मेरे दिल में अपने लिए सम्मान भी पैदा कर लिया है। सच तो यह है मुझे तो इन बातों में विश्वास ही नहीं है, फिर भी जोशी ने मुझे 40 दिन की मोहलत दी है। मेरे नसीब से मुझे 4 दिन भी तुम्हारे साथ मिल जाएं तो मैं समझूंगा मुझे 4 जन्म मिल गए। मैं बारात लेकर आ सर। हाँ ये बारात है ना? हाँ। किसकी है? होगा कोई किस्मत वाला। सिस्टर मुझे यहाँ कोई लड़की देखने नहीं आती थी? यस, एक लड़की रोज आती थी। क्यों मेरी बात पर यकीन नहीं आया था? वो बात नहीं सर, जब से होश में आया हूँ उसे देखने को बहुत मन कर रहा है। नहीं आई तो जरूर कोई मजबूरी। बोलो बेटे, आज से मैं अग्नि को साक्षी मानकर, मैं अग्नि को साक्षी मानकर इसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। हाँ बेटी तुम प्रतिज्ञा लो कि विष्णु भगवान को साक्षी मानकर, मैं विष्णु भगवान को साक्षी मानकर वचन देती हूँ, वचन देती हूँ कि मैं वाणी शरीर और मन से आपको अपना पति परमेश्वर मानते हुए, मैं वाणी शरीर और मन से आपको अपना पति परमेश्वर मानते हुए माया की तरह सदा आपके साथ रहूंगी। बोलो बेटी, छाया की तरह सदा आपके साथ रहूंगी। से अपनी माँ से अलग हो गए ना बेचारे। तुम उदास नहीं हो ना भाभी? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ,
मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा भी। सोएगा भी? क्या हुआ प्रेमा? गाड़ी खराब हो गई भैया। अच्छा? अरे छोटी भाभी बड़ी भाभी बाहर आई है, मौसम बहुत अच्छा है। अरे इसमें तो करंट आ ही नहीं रहा और बैटरी की हालत देखो, बिल्कुल इसकी जैसे हो गई है। चलो बंद करो इसे, मैं स्टेरिंग व्हील पे बैठता हूँ, तुम लोग धक्का लगाओ। जोर से धक्का लगाना। सुहागन रहो, तू ठीक तो है बेटे? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं माँ। मौसी ये तुम्हारी बहू नहीं साक्षात देवी है, इसके पुण्य फल से ही सागर इतने बड़े एक्सीडेंट से बचा है। तू ठीक कहती है बेटे, मेरी बहू जितनी सुंदर है उतनी किस्मत वाली भी है। आओ बहू। चलो सुहाग रात तक तो पहुंचे, वरना एक्सीडेंट तो ऐसा हुआ था कि बस। जरूर तुमने भगवान से मेरी रक्षा के लिए प्रार्थना की होगी, मन में इतना तो आया होगा कि ज्योतिष कितना सच निकला। लेकिन भगवान ने सोचा जान लेनी होगी तो फिर ले लेंगे, जब शादी हो ही गई है तो पहले सुहाग रात मना लेने दो। सावित्री कितना खुशनसीब हूं मैं, वो जिस्म जिसे कभी बाहों में बांधने के लिए रातों की नींद उचाट हो जाती थी आज मेरी धड़कनें तेज कर रहा है। याद जिन्हें एक पल थामने के सपने देखता था अब जिंदगी भर के लिए मेरे हाथों में है। वो चेहरा जिसे कभी एक नजर देखने की हसरत रहती थी आज इतने करीब है कि मेरी सांसें उससे टकरा रही हैं। इधर देखो सावित्री, ये क्या आज की रात तुम्हारी आंखों में? नहीं सावित्री, आंखों में आंसू लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे दिल की बात समझ गया। तुम यही सोच रही हो ना कि आने वाले 40 दिनों में मेरी जिंदगी की दौड़ टूट जाने वाली है, इसीलिए दूसरी शादी के लिए तुम्हें पवित्र छोड़ दिया जाए तो अच्छा। मैं किसी तरह के ज्योतिष में विश्वास नहीं करता,
लेकिन तुम्हें प्यार तो करता हूं, और प्यार में किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं चलती। नहीं सावित्री, 40 दिन तक तुम अछूते ही रहोगी। आज 18 जनवरी है, हमारी सौगात अगले महीने की 26 तारीख को। तुम यहाँ पलंग पर सजाओ, मैं नीचे कारपेट पर सजाता हूँ। नहीं नहीं, नीचे आप क्यों सोएंगे? प्लीज नीचे मैं सोऊंगी। सर, जरा सावित्री के घर से होते चले। लेकिन जाएंगे कैसे? माल लोड का परमिट कहाँ है हमारे पास? लीजिए साहब। लो बोन मिटा पियो, ताकत आएगी। थैंक यू सर। Shall I help you? नहीं सर। तुम्हें भगवान पर भरोसा है ना बेटे? जी हाँ। कहते हैं भगवान जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है। मेरा ख्याल है भगवान को जब किसी समस्या का हल सुझाई नहीं देता तो वह एक्सीडेंट की आड़ लेता है। तुम जानते हो तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों हुआ? भगवान नहीं चाहता था सावित्री की शादी तुम्हारे साथ। सावित्री की शादी हो चुकी है सागर के साथ। हेलो सावित्री, मैं चंपा बोल रही हूँ। तू बॉम्बे से कब आई? कल शाम को। तू कैसी है? सब ठीक है ना? हाँ बस ठीक ही है। सुन, मेरी चिट्ठी मिली? हाँ। शादी से पहले मिली थी? हाँ। फिर क्या, वो सब बातें सच होती नजर आ रही हैं। तू खुल के बात क्यों नहीं कर रही है? कोई आसपास है क्या? मैं वो सब बातें चिट्ठी में लिखूंगी। तू बता, वो मिला था? हाँ, कल माल पे मिल गया था। पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई, अजीब हालत बना रखी है उसने, एकदम मजनू जैसा। पढ़ाई भी छोड़ दी है उसने। तूने उसे समझाया क्यों नहीं? अरे मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। बार बार यही कहता था कि सावित्री ने मुझे धोखा दिया है। वो झूठी है, बेवफा है, पैसे के लिए उसने मेरे प्यार को बेच दिया है। उसकी बात मत करो मेरे सामने, वो मेरे लिए मर चुकी है। उसका दिल टूट चुका है सावित्री, अब वो पहले जैसा मनोहर नहीं रहा। वो बार बार यही कहता था कि सावित्री ने मुझे धोखा दिया है। वो झूठी है, बेवफा है, पैसे के लिए उसने मेरे प्यार को बेच दिया है। उसकी बात मत करो मेरे सामने, वो मेरे लिए मर चुकी है। उसका दिल टूट चुका है सावित्री, अब वो पहले जैसा मनोहर नहीं रहा। कैसी हो मनोहर? कैसे दिखता हूँ? खैर तुम सुनाओ, यहाँ कैसे? ये अपनी शादी का इनविटेशन देने आई थी। अनूप सही है ना? चलो बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और हाँ,
ये चिट्ठी है तुम्हारे नाम। किसकी है? पढ़ लो। अगर ये सावित्री की है तो चंपा, आई एम सॉरी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो सावित्री की, और तुम्हें पढ़नी भी होगी। उसने मुझे लिखा है कि अगर तुम इसे पढ़ लोगे तो उसकी मजबूरी समझ सकोगे। लो, इतनी भी क्या नफरत है। बैठो। मैं और कौन? उसने तुम्हें ठीक ही तो लिखा था, वो मजबूर थी। मेरी ही जिंदगी के लिए वो अपने दिल पर पत्थर रखकर शादी के मंडप में जा बैठी, और मैं उसे दोष देता रहा। पर इसकी जिम्मेदार तुम हो चंपा। मैं? हाँ, अगर तुमने मुझे अपने पापा की 40 दिन वाली भविष्यवाणी बताई होती तो मैं बेचारी सावित्री को कभी गलत नहीं समझता। खैर, प्रोफेसर साहब की बात करीब करीब सही निकल रही है। सावित्री का तो विश्वास है कि 40 दिन में सागर का अंत निश्चित है। तुम आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई हो चंपा। मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? उसे ये सब नहीं लिखना चाहिए था। बहुत खराब पत्ते डील किए भाभी तुमने। दीदी, यमराज कौन होता है? मुझे नहीं मालूम, लगता है फिर से फूलन जाएगा। बताओ ना। ओहो, मैं अभी तक उससे नहीं मिली। भाभी, एक पत्ता तो काम का दिया करो। भाभी, तुम बताओ ना, यमराज कौन होता है? यमराज मौत का देवता है। वो मार देता है? तो उसने सत्यवान को फिर से जिंदा क्यों कर दिया? इसलिए कि उसकी पत्नी सती थी। सती की तप के आगे यमराज को झुकना पड़ा। सती कौन होती है? सती वो जिसके मन में पति के अलावा दूसरा कोई ना हो, जो पति की पूजा करे। पूजा तो भगवान की होती है। सती के लिए पति ही भगवान होता है। भाभी, तुम भी तो सावित्री हो। ओहो, अब चुप ही कर, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तुम्हारा नाम तो सावित्री है भाभी, तो क्या तुम भी सती हो? हाँ हाँ, तेरी भाभी भी सती है। हमारे घर में सती सावित्री ही तो आई है। ओह, टेबल पैक। माँ, तो तुम भैया की चिंता क्यों करती हो? यमराज भी भैया को भाभी से दूर नहीं ले जा सकता। हाँ, तू ठीक कहता है। मैं चाय बना कर लाती हूँ। आज जब तुम मेरी अपनी हो गई हो तो पास होकर भी इतनी दूर क्यों? काश तुम मेरी जगह होती तो मेरी तड़प का अंदाजा होता तुम्हें। कैसे एक एक दिन गिनता हूं, कैसे एक एक दिन एक एक युग लगता है। नहीं सावित्री, अब और बर्दाश्त नहीं होता। डरता हूं कहीं तुम्हें दिया हुआ वचन तोड़ ना बैठा। ये क्या, एक ही कप क्यों? चाय मेरी माता जी के साथ पी ली। खाना भी मेरे साथ नहीं खाती। क्या तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीना भी मेरे भाग्य में नहीं है सावित्री? इतना भी क्या? सागर, बहू, बधाई हो बधाई, तुम्हारे भाई की शादी है। ये लो, चिट्ठी के साथ इनविटेशन भी आया है। भैया, कब की शादी है? भैया भैया, हम भी शादी में चलेंगे। भाभी, हम भी शादी में चलेंगे। मैं भी चलूंगा। अच्छा, अरे तुम सब चले जाओगे तो मैं अकेले कैसे रहूंगी? दो चार दिन की तो बात है माँ, हो सके तो तुम भी चलो ना। हाँ, तुम भी चलो ना। नहीं, मैं किसे जा सकती हूँ? नहीं नहीं अशोक जी, आपके बगैर हमारी बारात फीकी लगेगी। हाँ, दिल्ली शादी के बाद चले जाइएगा। कहिए तो शाम को आकर भाभी से सिफारिश करवाऊं। हैं? हाँ, ये हुई ना बात, तो आप आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो अनु साहब। शुक्रिया। हमारा कार्ड तो मिला होगा ना आपको? जी हाँ, मिल गया, लेकिन हम तो लड़की वाले हैं। वो कैसे? भाई, आपके होने वाले ससुर हमारे प्रोफेसर जो हैं, हम उनकी तरफ से आपको रिसीव करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इधर से या उधर से आप शादी में तो शामिल होंगे ना। जी ऑफ कोर्स। अनूप साहब, मैं यहाँ आया हूँ आपसे एक जरूरी सलाह लेने। अच्छा जी, आइए अंदर चल के बैठते। आइए जी।
दोस्तों, मैं यहां आपसे यह कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा नाम मनोहर है। मैं यहां आपसे यह भी कहने के लिए नहीं आया हूं कि मैं अभी तक कुंवारा हूं। बरखुरदार, फिक्र क्यों करते हो? तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाएगी, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं हुजूर, आप ऐसी गलती मत कीजिए। मेहरबानी करके आप अपनी दुआएं वापस ले लीजिएगा। जी, मुझे शादी के शुभ अवसर पर एक तुकबंदी याद आ रही है जिसका शीर्षक है शादी खेल कबड्डी। हाँ तो फिर दोस्तों, अर्ज है शादी खेल कबड्डी, मैदान में उतरे दोनों कसकर लंगोट और चड्डी। कसकर लंगोट और चड्डी, खुश ऐसे जैसे चोर को मिल गई नोटों की गड्डी। पर जब शुरू हुई कबड्डी, यानी घर गृहस्थी की फिक्र शुरू हुई, जब शुरू हुई कबड्डी, नमक तेल ने मारी अड्डी, घी ने गुट पकड़ा, आटे ने कैंची छड़ी, तो टूट गई रीढ़ की हड्डी। तो जब टूट गई रीढ़ की हड्डी, मियां ने ऐ आवाज कड्डी, मैं क्यों खेला सी कबड्डी, हाँ मैं क्यों खेला सी कबड्डी। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि आप हंसते ही रहेंगे तो खाएंगे कब, और अगर आप खाएंगे नहीं तो प्रोफेसर साहब के नाश्ते से अन्याय होगा। हाँ, इधर देखिए, बैठे हैं दूल्हा साहब थके हुए। अजी अनूप साहब, तोहफों की फिक्र छोड़िए और अपनी दुल्हन हमारी बहन चंपा की सेहत का ख्याल कीजिए। जरा इन्हें कुछ खिलाइए पिलाइए, चलिए उठिए। सावित्री जी, आपके पतिदेव तो जरूर आए होंगे, उनसे मिलाएंगी नहीं? आइए। यही क्या करती है, क्या मैं गा नहीं सकता? सुनिए, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर। इनका परिचय तो सबके सामने हो चुका है। मेरा नाम सागर है और मैं इनका पति हूँ। मैं इनका भक्त हूँ, इनके संगीत का। ये मेरी छोटी बहन प्रेमा है। नमस्ते जी। मेरा छोटा भाई किशन रघुवीर सिंह। हाय। और आपका नाम? मनोहर, मनोहर धनी। धनी जी? हाँ, वो सिर्फ नाम का धनी हूँ, धनवान बिल्कुल नहीं है। वैसे लोग मुझे मनोहर गाइड भी कहते हैं, चैंपियन भी बुलाते हैं, और कुछ के लिए मैं अंडे वाला हूँ। अंडे वाला? अंडे वाला क्यों? बात यह सागर साहब कि बचपन से मुझे उस मुर्गी की तलाश है जो मेरे लिए सोने के अंडे दे। मुर्गी तो नहीं मिली, हाँ अंडे वाले का खिताब जरूर मिल गया। आप लोग बातें कीजिए, मैं जरूर चंपा से मिलकर आती हूँ। आप बैठिए ना। माफ कीजिए, मैं आपकी शादी पे नहीं आ सका। हाँ साहब, आप होते तो शादी का मजा ही और होता। ये बात है, तो एक काम कीजिए साहब, एक शादी और कर लीजिए। आप कुछ खा नहीं रहे? अजी साहब बहुत खाया, और ये फ्रूट क्रीम खासकर बहुत बढ़िया। एक और खाइए। अजी नहीं साहब। अरे खाइए साहब, हमारे हाथों से खा के देखिए, मजा ही कुछ और होगा। एक मुझे दे दो, सागर को बहुत अच्छी लगी है। क्या कर रहे हो? जहर। प्रोफेसर साहब की भविष्यवाणी सच नहीं तो? सभी, तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे बिना कैसे जीता हूं। ये फ्रूट क्रीम का कप और बस काम खत्म, पार्टी में किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, बदलते रिश्ते ना।
बदल जाते हैं। दिल तोड़ जाते हैं ये फूल बनकर है खिलते कहीं कहीं दिल में कांटे चुभाते हैं ये जाने कहां किस मोड़ पे देखे दगा दिल को छल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते ना जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते। तकदीर का तकदीर से ही बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते ना जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते। रिश्ते नहीं रिश्ते कभी टूटे कहाँ जो टूट जाए वो रिश्ते नहीं छुपी है उदासी के पीछे हंसी दबी दर्द में भी खुशी है कहीं सच तो है ये बस प्यार से जीवन हमारे बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते ना जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते। सागर साहब 25-30 हजार कम किए तो क्या कम किए, लाखों के सौदे में 1-2 लाख कम ना हुए तो मेरा साथ चलने का क्या फायदा। नमस्ते सावित्री जी। नमस्ते। अरे आपने ये तकलीफ क्यों की? तकलीफ तो अब आप कीजिएगा, चाय पीकर। सावित्री तुम चाय बनाओ, मैं तैयार होकर आता हूं। जी। सावी, जानती हो मेरे यहाँ आने की खास वजह क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कल रात की बनी बनाई बात को तुमने क्यों बिगाड़ दिया, क्यों तुमने वो मनोहर, क्यों हम किसी निर्दोष की हत्या का पाप अपने सर रहे?
मेरी आत्मा तो मुझे रात भर धिक्कारती रही और मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। अरे अच्छा ही तो था, कांटा जल्दी बीच में से निकल जाता। समझ गया, गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं जहर मिला रहा हूं। मैं भूल गया था कि तुम एक औरत हो और औरत का दिल बहुत नर्म होता है। खैर, मुझे सिर्फ इस बात की तसल्ली है कि तुमने सागर को उसके बारे में कुछ नहीं बताया, जिससे साफ जाहिर होता है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो, वरना तो मुझे सबके सामने दोषी ठहरा कर जेल भी भिजवा सकती थी। तुम मुझसे ऐसी आशा करते हो? यही तो बात है सभी, जब मैं अपने लिए तुम्हारे दिल में इतना प्यार देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना एक एक दिन। मनोहर प्लीज, ये सब भाग्य पे छोड़ दो, अभी कुछ ही दिनों के तो बात है। नहीं सभी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं हाथ में हाथ धरे कैसे बैठ सकता हूँ, इसके बारे में तुम्हें कुछ जरूर करना पड़ेगा। क्या करना होगा जी? जी इनके संगीत के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देखिए ना, कह रही थी कि वहां मशोबरा में इनका रियाज नहीं हो पाता। क्यों, इन्हें कौन रोकता है? हमारे घर में तो सभी संगीत प्रेमी हैं, माँ को भजनों का शौक है, प्रेमा तो इनकी शिष्या है और हम तो शुरू से इनके आवाज के आशिक हैं। आपके लिए चाय बनो। नहीं नहीं, जरा देर हो रही है, चलता हूँ। चलो मनोहर। थैंक यू। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए खाना गर्म करती हूँ। नहीं नहीं, वो शाम को मैंने मनोहर के साथ इतना खा लिया कि अब बिल्कुल भूख नहीं। ओ बड़े मैन, इतने मिलनसार और हसमुख आदमी कम ही मिलते हैं। वैसे मैं बहुत रिजर्व टाइप का हूँ सावित्री, जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं, लेकिन मनोहर, ही इज अ मैग्नेट, एब्सोल्यूट मैग्नेट। थैंक यू वेरी मच। किस बात का थैंक यू? मनोहर से मिलाने का। मनोहर सागर के साथ दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है? बहुत ज्यादा बोलता है, कहीं सागर पर हमारा भेद ना खुल जाए। भावना में आकर मनोहर फिर कुछ उल्टा सीधा कर बैठा तो क्या करूं, कैसे अलग रखूं इन दोनों को। माँ जी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? वो ही खांसी जुकाम, मैंने उनसे कह दिया हम लोग कल आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे यहाँ बहुत जरूरी काम है। ऐसा कौन सा काम है? एक बात कहूँ सावित्री, तुम मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हो। जब से फॉरेन से आया हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा बिजनेस करूं। आज मनोहर की मदद से एक फ्रूट कैनिंग फैक्ट्री का सौदा कर रहा हूं, पूरे 2.5 लाख रुपए कम करवाए उसने। क्यों, तुम खुश नहीं हुई हो? खुश क्यों नहीं हुई, मैं तो ये सोच रही थी अभी आपको शिमले में कुछ दिन और रुकना पड़ेगा और वहां माँ जी की तबीयत। अरे घबराने की कोई बात नहीं, तुम लोग चलो, मैं 2-4 दिन में फैक्ट्री की लिखा पढ़ी करके पहुंच जाऊंगा। माँ कैसी तबीयत है? माँ मैं ठीक हूँ, पहले ये बता काम हुआ कि नहीं पूरा तेरा? हाँ माँ, मेरा पहला काम है, मुझे आशीर्वाद दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटे। अरे मनोहर आ। भाई बहुत चढ़ा है। ये मेरे दोस्त मनोहर हैं। नमस्ते बेटे। नमस्ते सावित्री जी, इन्हीं की मदद से फैक्ट्री का सौदा हुआ है। अच्छा, अरे मनोहर बैठो ना, जब तक फैक्ट्री का काम शुरू नहीं हो जाता ये यहीं रहेंगे मेरे साथ। अच्छा अच्छा, विपिन और उर्मिला तो ठीक है ना? अच्छे माँ, ये जुराबे भेजिए। ये अच्छा किया, बाजारी जुराबों से तो ठंड रुकती ही नहीं। जाओ तुम हाथ मुंह धो लो और इनके लिए कमरा ठीक करने को कह दो। अच्छा माँ। आओ मनोहर। मैं रात को अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। कमिन। ओ सभी तुम, हाँ आओ, दरवाजा बंद करके अंदर आ जाओ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? तुम मेरी जान को मुसीबत में डाल रहे हो। वो कैसे? आज दिन में जो तुमने हरकत की वो मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा,
तो अब आपको हमारे प्यार के इशारे भी अच्छे नहीं लगते। मनोहर तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे नहीं, अब तो मैं यहाँ अपना काम खत्म करके ही जाऊंगा। नहीं मनोहर, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है तो तुम ऐसी कोशिश मत करना। तुम तो बेकार ही घबराती हो, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। एक छोटी सी दुर्घटना होगी और सागर साहब जिंदा। नहीं मनोहर नहीं। अरे भाई मनोहर कहाँ हो? तुम जाके कहीं छुप जाओ, दरवाजे के पीछे छुप। कमान। हाँ जी, अभी से बिस्तर में घुस गए? भूख नहीं लगी क्या? हुजूर भूख तो बहुत लगी है। तो चलो चलिए। ऊपर कहाँ जा रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सब खाने पर। अभी आती हूँ माता जी। सागर साहब मार दिया, तो गोलियां चलानी पड़ी, तब जाके मरा। क्या हुआ? वो आपकी श्रीमती जी बहुत कमजोर दिल की हैं, खून देखते ही पीली पड़ गई। बड़ा मजा है जंगली मुर्गे के शिकार का। शिवराम को कहकर ऐसा बनवाना कि मजा आ जाए। अरे ये तो रबड़ का है, मनोहर कल इसे किशन के लिए लेकर आया था, लेकिन तुमने इसे मेरी छाती से गिराया कैसे? हाथ से? कहीं तुम्हें डस लेता तो? डसता कैसे, रबड़ ही का तो है। रबड़ का तो अब है, जब तुमने हाथ से मारा तब तो असली था। सावित्री, आज मुझे तुम्हारे मन की थाह मिल गई, इस सांप ने तुम्हारे दिल का भेद खोल दिया। मुझे यकीन हो गया है तुम मुझे भले ही प्यार ना करो, पर मेरा मरना तुम्हें मंजूर नहीं। आपका दूध। मैंने वचन न दिया होता तो आज, खैर तीन ही दिन की तो बात है। सागर साहब बस बस बस, मेरा तो भागते भागते दम फूल गया भाई। क्या बात करते हो यार, तुम तो स्पोर्ट्समैन हो। वो तो हूँ, लेकिन अगर आप हर बॉल पे छक्के लगाएंगे तो
तो भागते भागते मिल्खा सिंह के भी छक्के छूट जाएंगे। मैं तो मनोहर हूँ। अरे किशन लाल जी, जरा चायवा का पूछो। भाभी हम आए। नहीं अभी नहीं। चलो भैया हम लोग कहीं घूम आते हैं। चलो चलो मनोहर। नहीं सागर साहब, मेरे से तो नहीं हो सकता। मेरे लिए तो दो कदम भी चलना मुश्किल है। आप लोग घुमाइए, मुझे वापसी में यहाँ से ले लीजिएगा। चलो इसे सुस्ता लेने दो, हम लोग चलते हैं। मुझे पकड़ो। पकड़ो किशन को। हाँ, पकड़ो। आए, देखा कितनी चालाकी से उनको टरका दिया। कितने दिन हुए आए, अकेले में मिलने का किसी तरह से मौका ही नहीं मिला। मेरा हाथ छोड़ो। अरे डरती क्यों हो, वो लोग इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाले। फिर हो जाए कुछ। ये क्या बदतमीजी है। जाती कहा हूं मैं तुम्हें, ऐसे थोड़ी छोड़ो। बता जो मुझे हाथ लगाया। ओहो इतनी जल्दी बदल गई। लेकिन ये मत भूलो सावित्री, सागर के मर जाने के बाद एक मैं ही हूं तुम्हारा सहारा। फिर कहीं ऐसा तो नहीं सागर की दौलत देकर फिसल गई और ये सोचने बैठ गई कि अगर सागर को कुछ हो गया तो उसकी दौलत तो है जिंदगी भर मौज उड़ाने के लिए। ठीक है भले ही सोचो, लेकिन मुझसे ही उम्मीद मत रखो, मैं देवदास बनकर जीऊंगा। आखिर मुझे भी तो कोई लड़की चाहिए। और फिलहाल दिल बहलाने के लिए प्रेमा बुरी नहीं है। मनोहर मैं सच कह रहा हूँ, हंसती क्यों है। ये लो, कह रहा हूँ दो घूंट पी लो, दिन भर की थकावट दूर हो जाएगी। नहीं सागर साहब मैं तो। क्यों तुम पीते नहीं हो। नहीं कसम तो नहीं खाई, लेकिन यू नो देन हैव इट मैन। ओके चीयर्स। किसी की लिखी हुई कुछ लाइनें याद आ गई, कहूं आपसे। हाँ जरूर सुनाओ। मुझसे बढ़कर कौन है दे जो दिल को हौसला। मुझसे बढ़कर कौन है दे जो दिल को हौसला, जो चमन की जान है मैं वही गुलाब। वाह। मैं क्या नहीं, मैं क्या नहीं शराब हूं, मैं क्या नहीं शराब हूं, शबाब ही शबाब हूं, हर सवाल जिंदगी का मैं हसी जवाब हूं। वाह सब वाह, बहुत खूब, वाह वाह बहुत अच्छे। हर सवाल जिंदगी का मैं हसी जवाब हूं। बहुत अच्छे साहब, एक बात पूछूं। मनो पूछिए साहब। जब आपने मुझे हम प्याला हम निवाला बना ही लिया तो तकल्लुफ कैसा। देखो ना तुम इतने हसमुख हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, बहुत सी लड़कियां मरती होंगी तुम पर। जी हाँ लड़कियां तो बहुत मरती थी, लेकिन प्यार तो सिर्फ एक ही हुआ साहब। आओ ना भाभी। मनोहर अपने प्यार की दास्तान सुना रहा था। अरे सावित्री बैठो ना। हाँ तो तुमने किससे प्यार किया था। छोड़िए साहब, क्या रखा है नाकाम इश्क की दास्तान में। मजाक कर रहे हो यार, कोई बदनसीब होगी जो तुम जैसे लड़के को दगा दे गई। दगा तो दे गई साहब, और खूब दे गई। रुपया पैसा धन दौलत की चमक में भूल गई मुझे। क्या अभी तक इंतजार है उसका। अरे नहीं साहब, हम तो फक्कड़ आदमी हैं, फिर किसका इंतजार, कैसा इंतजार। वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार, वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार, अब किसका इंतजार, अजी कैसा इंतजार। वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार, वो ना रहे। होना था जो हुआ जो
का एतबार। अब किसका इंतजार, अजी कैसा इंतजार, वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार, वो ना रहे। फूल टूटने से तो उजड़ा नहीं चमन, एक फूल टूटने से तो उजड़ा नहीं चमन, उजड़ा नहीं चमन, गुलशन में और भी है हंसी फूल बेशुमार। अब किसका इंतजार, अजी कैसा इंतजार, वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार, वो ना रहे। नाकाम याब इश्क सही जिंदगी नहीं, नाकाम याब इश्क सही जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं है जिंदगी तो और मिलेंगे हजार यार। अब किसका इंतजार, आज कैसा इंतजार, वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार, वो ना रहे। किसका फोन था? सावित्री का। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, उसके ससुराल चलना है। क्या हुआ? मनोहर वहाँ पहुँच गए हैं, सावित्री बहुत परेशान है, मदद के लिए बुला रही है। नहीं नहीं नहीं, आज तो मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है, बैंक से लोन मंजूर नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। आपको लोन की फिक्र पड़ी है और मुझे फिक्र है कि मनोहर वहाँ वो कोई गड़बड़ ना कर बैठे। ओहो, एक दिन में क्या गड़बड़ हो जाएगी, कल चलेंगे। तो ठीक है, मेरे लिए टैक्सी मंगवा दीजिए। तुम क्या अकेली जाओगी? जी नहीं, टैक्सी ड्राइवर साथ होगा। टैक्सी ड्राइवर के साथ तुम अकेली? नहीं नहीं, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। चलो चलो। भाभी तुम भी चलो ना, बड़ा मजा आएगा वहां। नहीं मैं नहीं चलूंगी। अच्छा बहू, बहू प्रेमा कहाँ है? प्रेमा, माता जी बुला रही हैं। बहू हम शाम तक आ जाएंगे, तुम
दोपहर का खाना देख लेना। मैं इन लोगों को छोड़कर आता हूँ, खाना घर पर ही आकर खाऊंगा। अच्छा। चलो माँ। आओ सावित्री आओ, इस वक्त इस घर में हम दोनों की सिवा और कोई भी नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से मनोहर। अरे अभी कैसे जा सकता हूँ, मेरा काम तो पूरा नहीं हुआ। कौन सा काम? मुझे सागर की जायदाद का हिस्सा चाहिए। जायदाद का हिस्सा? तीसरा हिस्सा प्रेमा का। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रेमा से शादी कर लूँ ताकि मुझे। नामुमकिन। ये तो मुझे मालूम था, तुम सागर को ये कभी नहीं करने दोगी। और वैसे भी एक लखपति आदमी अपनी बहन की शादी मुझ जैसे पक्कड़ से क्यों करेगा? लेकिन लेकिन जब शादी से पहले ही मेरे और प्रेमा के संबंध शादीशुदा जैसे हो जाएंगे तो तुम लोगों को हम दोनों की शादी करनी पड़ेगी। नहीं हो सकता। नहीं होगा। नहीं होगा। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। ये मत भूलो मनोहर, मेरा नाम सावित्री है, सावित्री जो यमराज से जा लड़ी थी। यमराज तो बेवकूफ था जो बातों में आ गया। मेरे पास तो वो हथियार है जो कभी फेल ही नहीं हो सकता, तुम्हारा प्रेम पत्र। तुम नहीं चाहोगी ये पत्र तुम्हारा पति पढ़े, और ना ही तुम्हारी सास को पता चले कि उसकी सती सावित्री बहू प्रेम पत्र लिखकर अपने प्रेमी को घर में बुलाकर रखती है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे अपना खेल खेलने दो और जो कुछ भी हो रहा है उसे खामोशी से देखती जाओ। डरावना सपना देख रही थी? किससे झगड़ा कर रही थी? कौन प्रेमा की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अरे भाई कुछ हमें भी तो पता चले, किसे गालियां दे रही थी सपने में? आप प्रेमा को बचा लीजिए, इस घर की इज्जत बचा लीजिए, निकाल दीजिए उसे घर से बाहर। पर किसे, किसकी बात कर रही हो? मनोहर की। मनोहर? हाँ, वो आपका दोस्त नहीं है, वो मुझसे बदला लेने आया है, मेरा सुख लूटने आया है, मुझे बदनाम करने आया है। मगर क्यों, तुम्हारा उससे क्या संबंध है? मैंने आज तक आपसे बहुत सी बातें छुपाई, मैं आपकी दोषी हूं, लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं मनोहर से प्यार करती थी। आप बैठ जाइए और पहले मेरे मन के पाप की कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आप जो चाहे मुझे सजा दीजिए, मुझे घर से निकाल दीजिए, चाहे मेरी जान ले लीजिए। प्लीज आप बैठ जाइए। बहन की शादी कर देने का ये मतलब तो नहीं कि उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए? ओहो, अब तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ। 3 घंटे लगा दिए निकलने निकलने में, कभी इसको फोन कभी उसको फोन। नाराज क्यों होती हो, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आओ आओ बैठो, चलो। और एक दिन मुझे पता चला कि मनोहर मुझे बेवफा समझने लगा है, मेरे प्यार में वो अपने तन मन के सुध खो बैठा है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे यहां से एक चिट्ठी लिखी कि मैं अभी उसी से प्यार करती हूं, 40 रोज गुजरते ही मैं उसकी हो जाऊंगी। मैं कितनी नीच हो गई थी, एक सुहागन होते हुए अपने सुहाग के मिटने का इंतजार कर रही थी।
बार बार दुर्घटनाओं से आपके बचने के लिए मुझे सती सावित्री समझा जाता रहा, और मैं ऐसी स्वार्थन कि अपने मन का चोर मन में छुपाई ही रहती रही। अनूप भैया की शादी में जब मनोहर मुझसे मिला तो उसके दिल में कुछ और ही था। रिसेप्शन पार्टी में उसने तो आपके फ्रूट क्रीम के प्याले में जहर तक मिला दिया था। और तुमने वो जहर मुझे खाने नहीं दिया। जी, भाग का लिखा जो हो सो हो, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था कि मनोहर इस तरह किसी निर्दोष की जान ले ले। ये सब तुम मुझे आज बता रही हो? मेरी छुपा जाने का एक ही कारण था, उस वक्त भी मेरे दिल में मनोहर के लिए प्यार था, और मनोहर ने मेरी उसी कमजोरी का फायदा उठाया, आपसे दोस्ती का नाटक किया और इस घर में घुस आया। किस इरादे से? तुम्हारे लिए या मेरी जान लेने के लिए? दोनों के लिए, लेकिन जब उसने देखा मैंने उसे कोई बढ़ावा नहीं दिया बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसने मुझे बुरा भला कहा और कहा तुम नहीं तो प्रेमा ही सही। जब उसने प्रेमा से मेलजोल बढ़ाना शुरू किया तो मैंने उसे डांटा, घर से निकल जाने को कहा, तो उसने मुझे धमकी दी। कैसी धमकी? कहने लगा कि मैं अपनी जबान बंद रखूं वरना वो मेरी लिखी हुई चिट्ठी आपको दिखा देगा। वो बहुत कमीना हो गया है, मुझसे बदला लेने के लिए वो प्रेमा की जिंदगी खराब कर देगा। कहाँ जा रहे हैं? उसके पास रिवॉल्वर है। जाने दो। नहीं, मैं उसके पास नहीं जाने दूंगी, आज भविष्यवाणी का आखिरी दिन है। छोड़ तुम मुझे, छोड़। मनोहर का साहब पीछे वाले घर में। आइए सागर साहब, आइए आइए। ऐसा क्या हो गया आपको? अरे आस्तीन के साथ मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। हराम खोर मेरी पत्नी को ब्लैकमेल करने आया था। कमीने, मुझे जान से मार डालने की कोशिश में था। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे चाचा, तू क्या मारेगा मुझे? सागर, आज तुम्हारी भविष्यवाणी का 40वां दिन है और तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन भी। मनोहर, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली चला दूंगी। ये क्या कर रही सावित्री? इसमें आस्ती गोली है सावित्री। नीच कमीने, अब डरता है? ये क्या कर रही सावित्री? मैं मर जाऊंगा सावित्री। मर जा, मर जा सावित्री, मर जा, मर जा। ये क्या कर रही सावित्री? मुझे मर जाने दीजिए, मैं जीने के लायक नहीं हूं, मैं आपके लायक नहीं हूं। नहीं सावित्री, अगर किसी को जीने का हक है तो सिर्फ तुम्हें ही है। तुमने सिद्ध कर दिया कि आज के जमाने में भी सत्यों की सती सावित्रियां हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं, आपके प्यार और त्याग के आगे मैं कुछ भी नहीं, आपके पैरों की धूल भी नहीं। ये आपकी महानता है, इतना सब कुछ जाने के बावजूद भी आप मुझे अपना रहे। नहीं, हम दोनों का प्यार एक दूसरे को अपना रहा है,
आज भविष्यवाणी के 40 दिन पूरे हुए हैं। तुम्हारे प्रोफेसर साहब की बात गलत मेरा मतलब है कि सही होते होते गलत साबित हुई। अब अगर तुम कहो तो आज हम सुहागरात मना लें। मनोहर, रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए अनु भैया। सच? जी हाँ, मेरा काम कीजिएगा, कर्नल साहब की पिस्तौल मारा गई है, उसे वापसी भी ले आइए आप। पिस्तौल? गोलियां चली थी क्या? कभी कुछ असली कभी कुछ नकली मेरी बस आ गई, मैं चलता हूँ। हाँ ये मनोहर क्या कह रहा था? किसके रिश्ते बदल गए? मनोहर ने बहुत बड़ा त्याग किया है चंपा, उसने दो घरों की इज्जत बचाई है, एक सागर के घर की, दूसरी हमारी। याद है शादी से पहले एक बार तुम सावित्री की चिट्ठी लेकर मनोहर के पास गई थी? पर तुम्हें कैसे मालूम? उसी दिन मनोहर वो चिट्ठी लेकर मेरे पास आया था। हे भगवान, ये सब अनूप साहब, मेरी तो समझ में नहीं आया कि सावित्री जैसी समझदार पढ़ी लिखी लड़की ने ऐसी चिट्ठी कैसे लिखती। वो कैसे भूल गई कि शादी के बाद उसका सब कुछ उसका अपना घर है, अपना पति है। जरा सोचिए अनूप साहब, अगर ये खत किसी गैर के हाथ लग गया होता तो। मनोहर मुझे माफ कर देना दोस्त, एक मिनट के लिए तो मैं भी आपको गलत समझ बैठा था। मैं आज ही उसके ससुराल जाता हूँ, उसको समझाता हूँ कि इस तरह। अनूप साहब, समझाने से ऐसी बातें कभी समझ में नहीं आती, इसका हाल कुछ दूसरा ही है। क्या? हम लोगों को ऐसा करना होगा जिससे सावित्री के दिल में मेरे लिए हमेशा के लिए नफरत पैदा हो जाए। और उसने सचमुच ये कर दिखाया। जानती हो, हमारी शादी के रिसेप्शन में उसने सागर को जहर दिया था। जहर? क्या कह रही हो तुम? सावित्री को दिखाने के लिए तो वो जहर ही था, वैसे था वो ऑर्डिनरी ग्लूकोज। लेकिन सावित्री ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें क्या, उसने सागर तक को नहीं बताया? मनोहर ने जब देखा कि इतनी बड़ी बात से भी उस पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने सागर से दोस्ती की और सावित्री के ससुराल तक जा पहुंचा, और सावित्री के दिल में अपने लिए उसने नफरत पैदा कर ही ली। तभी तो उसने कहा कि रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए। रिश्ते कभी टूटे कहां, जो टूट जाए वो रिश्ते नहीं। छुपी है उदासी के पीछे हंसी, दबी दर्द में भी खुशी है कहीं। सच तो है ये बस प्यार से जीवन हमारे बदल जाते हैं, ये दुनिया के बदलते रिश्ते।